हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। सो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो रहेगी अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए कि भाई आपने आज तक नहीं बताया है कि आप कहाँ से हैं और आप बेसिकली आप लोग क्या करते हैं। तो गाइज़ सही में इतने सारे वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन कभी नहीं दिया कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या नाम है। एक दो बार मैंने लाइव में अपने बारे में बताया, लेकिन लाइव भी सब तक नहीं पहुंच पाता दोस्तों। तो बेसिकली आज सोचा कि आज आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं क्या करता हूं और मेरा क्या प्रोफेशन है और मेरी क्या क्वालिफिकेशन है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचली टफ मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइज़, मेरा पूरा नाम हेमराज राजपूत है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन तहसील अर्की का तहसील अर्की हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ दोस्तों। और मेरे गांव का नाम है दोस्तों धल्ली जाबल, और वह तहसील अर्की में ही दोस्तों पड़ता है। और अगर दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है आफ्टर 10+2, और उसके बाद दोस्तों मैंने 6 ईयर दिल्ली में जॉब की है, 5-स्टार होटल एंड नॉन 5-स्टार होटल में। उसके बाद दोस्तों सन 2013 में मुझे कैनेडा से ऑफ़र आया था जॉब के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि कनाडा में जॉब से बेहतर है कि अपना बिज़नेस किया जाए। तो हमने और मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर यहाँ पर NH 205 शिमला मनाली हाईवे में हमने अपना बिज़नेस शुरू किया, और दोस्तों बिज़नेस हमारा बहुत अच्छा चला। और शुरू शुरू में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता रहा तो हमारी कठिनाइयाँ भी सॉल्व होती गई। सो गाइज़, अगर कठिनाइयों की बात की जाए तो शुरू में जब माता पिता जी ने यहाँ पे कार्य करना शुरू किया था तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल सुनसान यह जंगल हुआ करता था। और मेरे पिताजी और मेरे माताजी ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, जब शुरू में यहाँ पर हमने 2 रूम बनाए थे नीचे NH में, ये बिल्कुल लाल छत वाले आप देख सकते हो ऊपरी साइड को, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष उस वक्त यहाँ पर किया था। और कह सकते दोस्तों उस वक्त अलोन वॉरियर्स थे। अभी तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे फैसिलिटी की, तो सब कुछ लगभग अभी यहाँ पर हो चुका है बिकॉज ऑफ माई मदर एंड फादर की मेहनतों की वजह से ही हम यहाँ पे इतना पहुँच पाए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर वो उस वक्त यहाँ पर स्ट्रगल नहीं करते तो शायद हम भी अपनी लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ पाते, मेरे माता पिता की वजह से कि हम लोग यहाँ पर आज है। तो दोस्तों अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो सारी की सारी अचीवमेंट माता पिता की ही होती है। आप जितना मर्ज़ी संघर्ष करें, जितना मर्ज़ी स्ट्रगल करें, क्योंकि आपकी अचीवमेंट में उनका एक सबसे बड़ा हाथ होता है। सबसे बड़ा हाथ यह होता है कि आपको एक तो अच्छी एजुकेशन वो लोग देते हैं, उसके बाद आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तैयार करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा उनके सिखाए हुए नक्शे कदम पर चले। तो जैसा हमारे को हमारे माता पिता ने सिखाया, हमने उन्हीं के ही रूल रेगुलेशन हमेशा फॉलो किए, और तभी दोस्तों आज माता पिता के आशीर्वाद और आप लोगों की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और कह सकता हूं दोस्तों कि दुनिया में बोलते हैं ना कि भी हम बहुत खुशनसीब लोगों में हैं, क्योंकि हमने पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो लाइफ में सोचा तो हर चीज़ अचीव किया, मतलब जो सोचा कि यार भाई अभी ये रूम बनाना या ये मकान बनाना या ये हट्स बनाना है या नीचे वाला अपने रेस्टोरेंट का एरिया सेटअप करना है या अपना घर बनाना है, तो वो हर एक चीज़ हमने इसी प्रॉपर्टी से की। और बिकॉज़ अभी मैं बार बार यही बोलता रहूँगा, बिकॉज ऑफ मम्मी पापा की वजह से ये चीज़ें अचीव हो पाई। तो गाइस बोलते हैं ना कि आप जैसे कर्म करते हो वैसे ही आपको फल मिलते हैं, तो हमारे माता पिता ने अच्छे कर्म किए थे तो उन्हें भी उसी तरीके से अच्छे कर्म मिले। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बनती है कि हम भी अच्छे कर्म करें, अच्छी मेहनत करें, और तब जाके हमें देख के भी हमारे जो आगे जनरेशन होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं, वो भी हमें देखकर ही हमें फॉलो करते हैं और उसी नक्शे कदम पर चलते हैं जो आपके माँ बाप आपके लिए परोसते हैं, वही हम लोग खाते हैं। तो ये कुछ परेशानियाँ दोस्तों ऐसी होती है जो किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन जो संघर्ष और जो स्ट्रगल उस वक्त उन्होंने किया वो आज हम लोग और बहुत सारे लोग यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे कोई दोस्तों समझे या ना समझे, लेकिन उस चीज़ का बेनिफिट अभी हम सब लोग यहाँ पे ले रहे हैं,
बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड डैड। उन्होंने कितना संघर्ष, कितना बलिदान इस जगह के लिए दिया, कितना, और उन्हीं के ही नक्शे कदम पे दोस्तों हम आगे चल रहे हैं। तो हमें उनसे काफ़ी मोटिवेशन, मतलब मेरे तो मैं बोलता हूँ मेरे लिए मेरे मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा है, मेरे लिए सब कुछ मेरे माँ बाप है जिनकी वजह से हमने ये चीज़ अचीव की। तो गाइज अगर इस वैली की बात की जाए तो इसका नाम है ढाली वैली, और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं उस वक्त बिल्कुल ऐसा यहाँ पर जंगल हुआ करता था, लेकिन अभी आज के समय में तीन लोग यहाँ पर, तीन मतलब हमारी फैमिली के हम तीन लोग यहाँ पर अच्छे से सेटल्ड है, और लगभग दोस्तों मैं बात करूँ 20 से 22 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है। तो मैं अपने माता पिता का हमेशा धन्यवादी रहूँगा कि उनके स्ट्रगल और उनकी मेहनत की वजह से आज यहाँ पर 20 से 22 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उनका हृदय से, मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं उतार पाऊँगा, एहसान तो दोस्तों अपने माँ बाप का कोई भी नहीं उतार पाता, लेकिन एक तरीके से उनको तब खुशी मिलती है जब उनके बच्चे जो होते हैं उनकी कोई भी बात टालते नहीं, उनकी बात मानते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तभी उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि सबसे पहले अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना और उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने देना। उनकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो उनमें उस परेशानी में सबसे पहले खड़े होना, वो मेरा मेन एम इन लाइफ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने वो हर एक चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर ली है जो मैंने करनी थी, और अब सिर्फ मैं YouTube पे इसलिए आया हूँ कि मैं अपने हिमाचल प्रदेश के कल्चर और हिमाचल प्रदेश की एक्टिविटी, हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट एरिया और अपने हिमाचल प्रदेश को मैं प्रमोट कर सकूँ। इसलिए मैं अपने मैंने दो YouTube चैनल बनाए हैं ताकि मैं अपने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जा सकूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे आगे लेता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।